गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्कूलों को मर्ज करने के लिए अब शासन स्तर पर सूची बननी भी शुरू हो गई है। युक्ति युक्तकरण के विरोध में शिक्षक संगठनों द्वारा आंदोलन की भी चेतावनी सरकार को दी जा रही है। युवा बेरोजगारों द्वारा भी आंदोलन की चेतावनी छत्तीसगढ़ की सरकार को दी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा युक्ति युक्तकरण को लेकर किसी तरह से बदलाव करने की जो उनकी मंशा नहीं नजर आ रही है। विस्तार से इस पर बात करेंगे। साथ ही नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सर्वप्रथम इस पेपर कटिंग को ध्यान से देखिए, 21 अगस्त की पेपर कटिंग है। स्कूलों को मर्ज करने प्रशासन बना रही है सूची। जी हाँ, उन स्कूलों को मर्ज करने की योजना बन रही है जहां पर 10 से कम बच्चे हैं, तो ऐसे स्कूलों को अर्थात उनकी लिस्ट जारी की जा रही है कि कौन कौन से स्कूलों को मर्ज किया जाना है, बंद किया जाना है और किन शिक्षकों को अतिशेष की श्रेणी में रखा जाएगा, इसको लेकर जो है सूची बनाई जा रही है। राज्य शासन के दिशा निर्देश के बाद जिले में शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग द्वारा जो अभी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें कि अतिशेष शिक्षकों की संख्या, शिक्षक विहीन स्कूल, एकल शिक्षकी, जहां कम शिक्षक है, ऐसे स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों को पोस्टिंग दिया जाएगा, तो इसको लेकर जो है सूची की तैयारी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग साथ ही साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा ये शुरू कर दिया गया है। इसका जो है देखिए, आने वाले समय में इनका जो नुकसान है, नए पदों को सृजित होने में होगा, अर्थात पद जो है समाप्त हो जाएंगे। और यही प्रमुख वजह है कि युवा बेरोजगार छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड जो संगठन है लगातार इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में 33,000 पदों पर भर्ती की घोषणा वर्तमान सरकार द्वारा गारंटी के तहत की गई थी, लेकिन उस घोषणा पर अमल सरकार दिखता नजर नहीं आ रहा है। शिक्षक साथियों को भी आगे निकटतम भविष्य में प्रमोशन को लेकर रिक्त पद न होने का खतरा मंडराने लगा है, जिसके वजह से जो प्रदेश के 2,00,000 शिक्षकों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। और इसको लेकर आज अर्थात देखिए कल अर्थात 22 अगस्त को चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा, और इसको लेकर जिला के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन देने की योजना छत्तीसगढ़ शिक्षकों के संगठन बना रही है। शिक्षकों की नाराजगी की क्या है वजह, तो जो अभी सेटअप 2008 के विरुद्ध अर्थात उस सेटअप 2008 को ध्यान में न रखते हुए अपने हिसाब से शिक्षकों को अतिशेष बता दिया जा रहा है, नियमों को दरकिनार करके अतिशेष के रूप में शिक्षकों को बताया जा रहा है। यही प्रमुख वजह है कि शिक्षक संगठन द्वारा लगातार युक्ति युक्तकरण को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। शिक्षकों द्वारा आगामी समय में आंदोलन को लेकर कार्यक्रम भी बना दिया गया है, जिसमें 22 अगस्त को सभी जिले के कलेक्टर और डीईओ को अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। 23 से 28 अगस्त तक मंत्री, सांसद और विधायकों को ज्ञापन देने की योजना बन रही है। उसके बाद 2 एवं 3 सितंबर को सचिव और डीपीआई स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। 9 सितंबर को जिले में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो राजधानी में भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह से जो योजना है छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के संगठनों का, ये जो योजना है बना हुआ है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में चाहे वो शिक्षक संगठन हो, चाहे वह प्रशिक्षित डीएड बीएड युवा बेरोजगारों का संगठन हो, चाहे छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन हो, शिक्षकों के अलावा पालकों का जो संगठन है, लगातार सभी संगठनों द्वारा इस युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। अब शासन कब तक युक्ति युक्तकरण करेगी, किन विद्यालयों में शिक्षक भेजे जाएंगे, युक्ति युक्तकरण के बाद क्या पद रिक्त रहेंगे, अनेकों सवाल हैं जो कि नियमित शिक्षकों, युवा बेरोजगारों सभी के सामने ये जो सवाल है बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।